नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एकाक्ष कनकानी, आपका अपना दोस्त। और मैं हूँ प्रतिष्ठा त्रिपाठी, आपके दुनिया में आपके साथ ही। सुबह की इस प्यारी सी धूप में आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और मजेदार कर रहे हैं? सुबह हुई, धूप निकली, खिड़की से हल्की सी हवा बही, बच्चों के दिलों में खुशी भर आई। आ जाओ साथ मिलकर बनाए इस प्यारी सी दुनिया की रेल। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। तैयार हैं आप सभी? प्रतिष्ठा, सबसे पहले हम अपने दोस्तों को रक्षाबंधन की बधाइयाँ दे दे। यह है तो प्यार का बंधन, पर ये जो मेरी छोटी बहन है ना, ये है बड़ी नटखट, एकदम पटाखा है पटाखा। मुझे माँ से बचाने के चक्कर में अब बहुत सारे तोहफे मांग रही है। और ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये है बड़ा धमाका, हमेशा मेरी खिंचाई करता रहता है। हम बहनों को इस दिन तरह तरह के गिफ्ट्स और चॉकलेट्स का इंतजार रहता है। बहनें प्यार से भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो भाई बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का उच्च स्थान है, तभी तो इसे अभिमंत्रित करके बांधा जाता है। एकाक्ष, हमारे दोस्तों को भी वो मंत्र बताओ ना। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। अति सुंदर भाव, वाह। वैसे बहनें तो मम्मी पापा की लाडली होती हैं, उन्हें भला किस बात की चिंता। बहनें छोटी हो तो हल्ला मचाकर अपनी बात मनवाही लेती हैं, और बड़ी हो तो कहने ही क्या। और भाई, छोटा हो या बड़ा, हुक्म जरूर चलाता है। तो चलो तुम्हें ले चलती हूँ इतिहास के उन किस्सों की ओर, जो रक्षाबंधन पर्व के शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। ज्ञात पौराणिक कथा के अनुसार, शिशुपाल पद के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखते ही यज्ञ सेरी ने, क्या क्या कहा तुमने, यज्ञ सेरी? हाँ, राजा द्रौपदी के घर पवित्र यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेरी अर्थात माता द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा चीर कर श्री कृष्ण की उंगली में बांधा। श्री कृष्ण ने इस पवित्र कार्य के बदले में माता द्रौपदी के चीर के एक एक धागे का मूल्य चुकाने का वचन दिया। अरे वाह, कितना पावन है ना यह दिव्य संबंध। वैसे प्रतिष्ठा, एक दूसरा किस्सा मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपने और प्रजा की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने उन्हें अपनी बहन स्वीकार किया और उनकी रक्षा की। मैं रक्षा बंधन पर अपनी लिखी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ काल थी मैं थोड़ी अकेली, खुद ही खुद की अच्छी सहेली। मेरे ख्वाबों में था जो नन्हा सितारा, समय ने माँ की गोद में उतारा। नन्ही किलकारियों से गूंजा घर, मेरे मन को मिल गए जैसे पर। उसकी नन्ही कोमल कलाई पर बांधा प्रथम धागा प्रेम का। तू कभी उदास ना होना, बनना सच्चा भाई इस बहन का। कुछ काल फिर मैं और बढ़ी, ज्ञान विज्ञान से सुदृढ़ बनी। सोचा एक अटूट अखंड रक्षा सूत्र पहुँचे सीमा पर तैनात सैनिकों को, जो रक्षा करते दिन रात हमारी अखंडित होकर संगठित। देते हौसला अपने मीतों को, विधाता मेरी अरज गुण। राखी तुझे भेजती हूँ सुन, रक्षा करना हर भाई की हर बहन की, मातृभूमि के वीर सपूतों की। रक्षा करना क्षय होती धरती माता की, रक्षा करना देश के पोषक किसान भ्राता की। अरे वाह प्रतिष्ठा, तुमने तो आनंद और प्रेम की वृद्धि कर दी। हमारे साथ आज एक और मित्र जुड़ी है। मेरा नाम हितेशी है, मैं आज एक कविता सुनाने वाली हूँ। राखी का बंधन प्यार का वचन, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। सावन के महीने में खुशियों का त्योहार, रक्षा की कसम जन्म जन्म का ये संस्कार है। बहन की आस भाई की रक्षा, राखी का वचन
सदैव ये ममता। भाई को बहन का प्यार मिलता है आशीर्वाद, और बहन को भाई का सम्मान और प्यार। राखी की डोर भाई के हाथ में, बहन की आस भाई की रक्षा में। जन्म जन्म का ये बंधन कभी ना टूटेगा, राखी का वचन सदैव ये प्यार बनेगा। अरे वाह हितेशी, क्या कविता सुनाई तुमने। अरे इतने सुंदर सुंदर भारतीय पोशाक पहनकर हम सभी तैयार तो हुए हैं, तो चलो इसकी एक फोटो भी ले लेते हैं। बीते हुए ये पल कैद तू कर लेता है, इन मंजर को बाद में हमें दिखाता है। चार कोनों के अंदर छुपे जो जज्बात हैं, चार कोनों के अंदर छुपे जो जज्बात हैं, देखते ही दिल कहे वाह क्या बात है। कैमरा से याद आया, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। फोटोग्राफी की दुनिया बेहद दिलचस्प है। तुम्हें पता है, सभी को ऐसा लगता होगा कि सेल्फी का चलन आजकल शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, तो पहली सेल्फी कब हुई थी? माना जाता है कि दुनिया की पहली सेल्फी 1839 में ली गई थी। आधिकारिक तौर पर विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत 19 अगस्त 2010 से हुई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर प्राइज है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत शिप्रा दास को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, शशि कुमार रामचंद्रन को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड तथा अरुण साहा को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्य विकास ने लंदन में आयोजित प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। फोटोग्राफी की दुनिया में इसे ऑस्कर पुरस्कार के समान समझा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। अब मेरा भी मन करने लगा है कि मैं एक फोटोग्राफ ले लूं। फोटोग्राफी में तो मुझे भी बहुत शौक है। वैसे प्रतिष्ठा, बातें तो बहुत हो गई। आज हमारे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, जो कुछ गीत सुनाना चाहते हैं। आइए उनका आनंद उठाते हैं। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से। रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू ये तकती, रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू ये तकती, रह गई अखियां, न जाने क्या किया रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी,
कलेजे गड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां ते बाके बिहारी से। देववाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, अर्थात संस्कृत भाषा देववाणी है। यह ना तो क्लिष्ट है और न ही कठिन है। संस्कृत हमारी प्राचीन और विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जो मुझे बहुत पसंद भी है। हाँ, संस्कृत तो देववाणी है, वेदवाणी और हमारी ऋषि परंपरा के अमूल्य धरोहर है। आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, तेलुगु तथा विश्व के अन्य भाषाएं जैसे लैटिन, ग्रीक आदि को 80% शब्दावली संस्कृत से आई है। हजारों वर्ष पूर्व जब लिपि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब से ऋक् संहिताएं मौखिक एवं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इतनी शुद्धता से प्रसारित होती रही कि स्वर और मात्राएं ही नहीं, वैदिक मंत्रों में भी कहीं पाठ भेद नहीं हुआ। जितनी प्राचीन उतनी ही अर्वाचीन है हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत से हमारी संस्कृति महान। संस्कृत है भारत की शान। आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रस्तुति के लिए कुछ और भी बच्चे हैं। चलिए आज संस्कृत दिवस पर कुछ खास प्रस्तुति सुनते हैं। अहम संस्कृत भाषा अस्मि। प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत भाषा हूँ। मुझे भाषाओं की जननी माना जाता है। हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है ना बच्चों, यानी माँ, और मैं माँ की माँ तो तुम्हारी नानी हुई ना। नानी तुम्हारे लिए लेकर आई है
आज अपने बारे में बहुत सारी जानकारी। देखो बच्चों, मैं संस्कृत भाषा रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावणी पूर्णिमा को अपना दिवस मनाती हूँ, जिसे सब प्यार से संस्कृत दिवस कहते हैं, और इसलिए मनाती हूँ जिससे तुम मुझे भूल ना जाओ। बच्चों, मालूम है आपको, मैं देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली देव भाषा हूँ और उत्तराखंड की तो द्वितीय राज्य भाषा भी हूँ। हाँ, आधुनिक काल में मुझे कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा भी कहा गया है और मुझे वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। बच्चों, मैं बहुत प्राचीन भाषा हूँ, इतनी पुरानी हूँ कि मेरा लेखन ताड़ पत्रों पर भी हुआ है। वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, काव्य, महाकाव्यों की रचना मुझ संस्कृत भाषा में ही हुई है। मैं ना होती तो आप अपनी उच्च संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को कभी भी नहीं जान पाते। बच्चों, आपने भी तो मुझे श्लोक में, मंत्रोच्चार में अवश्य सुना होगा, तो आप बच्चे मुझे कुछ श्लोक सुनाओगे? मेरा नाम अनन्या मित्तल है, मैं आपको एक श्लोक सुनाने जा रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा नाम रियान है और मैं संस्कृत का एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मेरा नाम आहाना है, मैं एक संस्कृत की प्रार्थना सुनाना चाहती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा नाम अगस्त्य है और आज मैं आपको एक गणेश वंदना का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुर मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे बच्चों, आपको तो बहुत सारे श्लोक आते हैं। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मैं कितने सारे संगठन और संस्थानों के ध्येय वाक्यों में परिलक्षित होती हूँ, है ना गर्व की बात? नमस्कार, और आज मैं संस्थानों के ध्येय वाक्य बताना चाहती हूँ जो संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत सरकार का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। नौसेना का ध्येय वाक्य है शमनो वरुणः। उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है यतो धर्मः ततो जय। वायु सेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बच्चों, एक अद्भुत बात बताऊं आपको, आज भी कर्नाटक के मुत्तूर गांव के निवासी अपनी बोलचाल की भाषा में मेरा ही प्रयोग करते हैं। कितने भी आधुनिक हो जाओ, लेकिन मुझे कभी ना भूलना, मैं बहुत ही संपन्न भाषा हूँ, मैं संस्कृत भाषा हूँ। अच्छा, तो मुझे लग रहा है हितैषी को भी कुछ बोलने का मन हो रहा है। चलो, आज मैं तुमसे कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बाद वह फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो क्या है?
इसका उत्तर मुझे पता है, माचिस। देखा मैं कितना समझदार हूँ। अच्छा प्रतिष्ठा, अब तुम्हारी बारी। यह एक ऐसी चीज है जो हम रोज देखते हैं और यह हमेशा चलती रहती है लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ती। ये तो मुझे नहीं पता, चलो तुम ही बता दो। देखा देखा मैं ज्यादा समझदार हूँ। बहुत बड़बोले हो तुम। तो अब मैं इसका उत्तर बताऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह है घड़ी की सुई। उफ, देखो ना आज कितनी गर्मी पड़ रही है, लगता है धरती को बुखार आ गया है। मैंने सुना है कि धरती को बचाने के लिए हमें हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से क्या होगा, मुझे लगता है हमें धरती को बीमार करने वाली चीजों को कम करना होगा। क्या तुमने अक्षय ऊर्जा के बारे में सुना है? हम इस अगस्त की 20 तारीख को प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होती है और जो कभी समाप्त नहीं होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। हम धरती की ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं, ये सब तो गलत है, लेकिन हम तो इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अरे छोटे होने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ऊर्जा बचाकर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि जब कमरे से निकलते हैं तो लाइट बंद कर देना या कम बिजली खाने वाले उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करना। मैंने सुना है जलवायु परिवर्तन के बारे में और यह भी कि सूरज की रोशनी और हवा से बिजली बन सकती है। मैंने देखा है बड़े बड़े पंखे जैसे लगाए होते हैं जो हवा से घूमते हैं और बिजली बनाते हैं। तुमने गुजरात के बड़े बड़े पवन चक्की वाले फार्म देखे हैं? छतों पर सोलर पैनल भी आम हो रहे हैं। और भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ध्यान दे रहा है। सोचो बिना शोर और प्रदूषण वाली दुनिया। भारत साफ सुथरे चूल्हों और बायोगैस प्लांट्स को बढ़ावा दे रहा है ताकि ग्रामीण समुदायों की मदद हो सके। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी को भी यह समझ आया होगा, सूर्य की किरण, पवन का झोंका, जल की शक्ति, धरती का तोष, अक्षय ऊर्जा नाम है इनका, प्रकृति की देन, अनमोल है यह कोष। अच्छा तो चलो तुमसे कुछ सवाल पूछकर तुम्हारा इम्तिहान और बाकी सभी का ज्ञान वर्धन करती हूँ। पहला, क्या तुम जानते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? हाँ, यह तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था और यह हमारे देश में ही है। यह गुजरात में है और इसका नाम पवागढ़ सोलर पार्क है। वाह, सही जवाब। अच्छा अब बताओ, क्या तुम जानते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ है? नहीं, चलो ये तुम ही बता दो। यह अमेरिका में टेक्सास में है, इसका नाम जेटा विंड फार्म है। हितेशी, तुम बोल रही थी कि तुम्हें अक्षय ऊर्जा पर कोई कविता सुनानी है, तो चलो सुनाओ। ऊर्जा है जीवन की धार, संचालित करती हर कार, बनाए रखती हमें सक्षम, ऊर्जा ही है हमारी सबसे बड़ी ताकत। ऊर्जा से जगमगाता है संसार, ऊर्जा से चलती है हर गतिविधि, ऊर्जा ही है जीवन का आधार, ऊर्जा से ही होती है हर कार्य सिद्धि। आओ हम सब मिलकर बचाएं, इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि ऊर्जा ही है हमारे भविष्य का आधार और ऊर्जा की बचत ही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत। आज हमारे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, जो कुछ गीत सुनाना चाहते हैं। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु रसते में कुआं खुदा देना, प्रभु रसते में कुआं खुदा देना, प्रभु रसते में कुआं खुदा देना, प्रभु रसते में कुआं खुदा देना। जल भरूंगी अकेली तुम आ जाना, जल भरूंगी अकेली तुम
प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। ये गीत तो बड़ा ही कर्णप्रिय था। हाँ सच में, मैं तो सुनकर एकदम मंत्र मुग्ध हो गई थी। आज तो हम सद्भावना दिवस के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो भारत में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यह दिवस राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हमें इस दिन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। हम सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के महत्व के बारे में सभी को जागरूक कर सकते हैं, ताकि हम एक शांतिपूर्ण और एकत्रित समाज बना सकें। देश का अभिमान बनाए रखें, एकता का रंग दिल में जगाए रखें, भेदभाव की दीवारें तोड़ हम हटाएं, सद्भाव का बीज मन में बोएं, देश का अभिमान सदा यूं ही हम बनाए रखें। अच्छा तो चलो चलते चलते दोस्तों को कुछ चुटकुले सुना देते हैं। मास्टर जी, चिंटू बताओ कंचनजंगा कहाँ स्थित है? चिंटू, मास्टर जी नहीं पता। मास्टर जी, अपने कुर्सी पर खड़े हो जाओ। चिंटू खड़ा हो जाता है। चिंटू, मास्टर जी मुझे कंचनजंगा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिष्ठा, तुम्हें एक और चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब क्या करूँ, दो दो दिखने की बीमारी है। डॉक्टर बोला, अच्छा तो तुम चारों को ये बीमारी है। एकाक्ष, चुटकुले तो बहुत हो गए, लेकिन चलो अब चलते चलते एक गीत और सुन लेते हैं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। यह गीत तो बहुत ही सुरीला और लुभावना था। हाँ हाँ, तो दोस्तों आशा है आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अरे ये क्या, हमने जाने की ओर इशारा करा और आप सभी उदास हो गए? उदास मत होना, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना है बाकी। अगले कार्यक्रम में फिर लेकर आएंगे ढेर सारी कहानी और किस्सों का पिटारा। तब तक के लिए मुस्कुराइए, पढ़िए, खेलिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, और मुझे यानी एकाक्ष को और मुझे यानी प्रतिष्ठा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।